मैं नावाधिकरण अधिकारी था, जलयान से संबंधित कार्यवाही उनके बंदी बनाने, निरोध, विक्रय और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक अन्य मामले के संबंध में विधि का समेकन करने वाले विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। सर, देश में हिंदुस्तान एक द्विकल्प है और हिंदुस्तान में सदियों से आदि अनादि काल से समुद्र से अन्य देशों से संबंध रहा हुआ है। सर, हिंदुस्तान में जब हड़प्पा संस्कृति के समय से एक गुजरात में लोथल नगर है, नाउ एंड टुडे इट इज 50 किलोमीटर फार फॉर सी, समुद्र से आज वो 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से भी एक पोर्ट मिला है जो वहाँ विश्व के शिप आया करते थे, हिंदुस्तान के साथ व्यापार किया करते थे और धोलावीरा तक, मोहेजो दरो लोथल टू धोलावीरा तक एक रूट चैनल से, इनलैंड वाटरवे से और समुद्रीय तटीय विस्तार से समुद्र से यातायात होता था और कार्गो भी होता था। ये हमारा समुद्रीय व्यवहार का इतना पुराना इतिहास है और हिंदुस्तान को एक द्विकल्प होते हुए भी 7,500 किलोमीटर हमें समुद्र तट मिला है और ये समुद्र तट पर सालों से जो पोर्ट है वहाँ पर कार्गो का हैंडलिंग होता रहा है। सर, आज देश में कुल मिला के 12 फेल मेजर पोर्ट है और देश में 205 वो माइनर पोर्ट है। आज कुल मिला के 95% कार्गो आज पोर्ट पर हैंडल होते हैं और उसको जो मूल्य में परिवर्तित करें तो 68% वैल्यू जो कार्गो की है वो समुद्र बाय पोर्ट से इंपोर्ट होती है। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए हमारे पोर्ट है उसका बड़ा महत्व रहा है और उसके संदर्भ में सर आज कुल मिला के देश में हिंदुस्तान में सभी पतनों पर, सभी पोर्ट पर, मेजर पोर्ट या माइनर पोर्ट कुल मिला के 90,877 शिप हर सालाना आती है और हर सालाना जब शिप यहाँ आती है और शिप के साथ जो कुछ घटना हो और जो कुछ जो भी मैं वहाँ भी आ रहा हूँ और मैं कुल मिला के दे रहा हूँ तो उसके संदर्भ में सर आज देश में कार्गो तो बढ़ रहा है, समुद्री व्यवहार बढ़ रहा है और देश में जो कानून है वो कानून पुराना है, जो सालों से कानून चलता है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, एक कानून को परिवर्तित एक कानून को बदलने के लिए हिंदुस्तान के डोमेस्टिक कानून को लागू करने के लिए हमने ये बिल लाए हैं। सर, हमारे पास जो कानून है आज वो एडमिरल्टी के संदर्भ में उसका जो कार्यक्षेत्र है और उसके संदर्भ में जो कानून बना हुआ है, सर एडमिरल्टी कोर्ट 177 ईयर्स एगो, नाउ एंड टुडे इट इज रनिंग। सर, कॉलोनियल कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी एक्ट 1861 ईयर से वो चला आया हुआ कानून है। कॉलोनियल कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी इंडिया 1991 ईयर वो पुराना कानून है और प्रोविजन ऑफ लेटर ऑफ पेटेंट 152 ईयर्स ये पुराना कानून है। मतलब सर 126 से 177 ईयर्स एगो इतना पुराना कानून से और उस वक्त जब अंग्रेज आए यहाँ आए थे उन्होंने जो कानून बनाए थे तब देश में केवल 3 पोर्ट थे, मेजर पोर्ट थे, उसमें एक मुंबई था, मद्रास था और कलकत्ता था और आज जो भी समुद्रीय कोई समस्या होती है और उसके संदर्भ में कभी किसी को कानूनी तरह से कार्यवाही करनी है तो केवल 3 उच्च न्यायालय को ही प्रावधान है और देश में तटीय विस्तार होने से सभी स्टेट के पास पोर्ट है तो वो पोर्ट को अपने कानूनी न्याय के लिए 3 कोर्ट का ही प्रावधान है और उसके अलावा और कोई कोर्ट का प्रावधान नहीं है, उसको उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। इसलिए हम ये बिल ला रहे हैं जैसे कि ये कानून खत्म हो जाए और उसके अलावा उसके स्थान पर हमारा डोमेस्टिक कानून का उपयोग हो और उसके अलावा एक का हिंदुस्तान में एमवी एलिजाबेथ एंड अदर्स विरुद्ध हरमान इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्रा लिमिटेड में एक का कोर्ट कानूनी घटना हुई थी और एडमिरल्टी संदर्भ में जो कानूनी
कानूनी डिस्प्यूट हुआ तो वो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दिया कि ये पुराना कानून है, उसमें क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो आप एक बार फिर से एक हिंदुस्तान का डोमेस्टिक कानून बनाइए। उसके साथ साथ देश में ये जब घटना हुई तब हमारा विधि आयोग ने भी उसके संदर्भ में सुओ मोटो स्टडी किया और विधि आयोग ने 151 की रिपोर्ट में नए कानून बनाना चाहिए वैसा रिकमेंडेशन किया। ये सब को देखते हुए 2005 में एक कानून बनाया गया था। 2005 में कानून बना के उसको स्टैंडिंग कमेटी को भी रिफर किया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर विस्तार से चर्चा किया और उसको रिकमेंडेशन किया। बाद में लास्ट पार्लियामेंट की मुदत खत्म हो जाने से वो पेंडिंग हो गया। बाद में जो ब्रिटिश काल के कानून है, एक कानून को बदलने के लिए, उसका न्याय क्षेत्र बढ़ाने के लिए, जो अभी केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास है, उसको सारे तटीय स्टेट है, उसकी उच्च न्यायालय को उसकी क्षमता देने के लिए, जो भी विवाद अनेक प्रकार के नाविकों को विवाद होता है, उसमें उसके पर काम करने वाले लेबर को भी विवाद होता है, स्वामित्व के संदर्भ में भी विवाद होता है, पार्टनरशिप के संदर्भ में भी विवाद होता है, एनवायरमेंटल को इश्यू आ जाता है, तेल शायद कभी कोई शिप से बह जाता है वैसी स्थिति में भी विवाद हो जाता है, वैसा अनेक कारण है जिसमें जो एडमिरल्टी का परिक्षेत्र, उसका जो क्षेत्र है और उसको कानून की दृष्टि से ठीक करना आवश्यक था। इसलिए मैं विधेयक लेकर आया हूँ। मैं सदन से विनंती करता हूँ कि ये विधेयक पर विस्तार से परामर्श करें और उसको पारित करें। राइट।